लोकसभा चुनाव 2024 के परिणामों ने कांग्रेस पार्टी में नई आशा की किरण का काम किया है। इन चुनाव परिणामों को लेकर हमने कांग्रेस के युवा नेता विकास ब्यास से विस्तृत बातचीत की। विकास ब्यास जैसलमेर के युवा कांग्रेस नेता हैं। विकास ब्यास जिला महासचिव NSUI, उपाध्यक्ष युवा कांग्रेस, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष युवा कांग्रेस जैसे महत्वपूर्ण पदों पर काम करते हुए चुनाव में कई प्रदेशों में चुनाव प्रभारी की भूमिका भी निभाई है। वर्तमान में युवा कांग्रेस प्रदेश सचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं। संस्कृत और राजनीति में MA विकास ब्यास सरल स्वभाव के व्यक्तित्व के धनी हैं। लोकसभा चुनाव 2024 की जीत में विकास ब्यास की अहम भूमिका रही। इन्होंने राहुल गांधी के साथ 120 दिन भारत जोड़ो यात्रा और 60 दिन की न्याय यात्रा में राहुल गांधी के साथ यात्रा की। हमने विकास ब्यास से लोकसभा चुनाव 2024, भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा और राहुल गांधी के व्यक्तित्व पर बातचीत की। आइए देखते हैं विकास ब्यास से ये दिलचस्प बातचीत। नमस्कार दोस्तों, वॉइस ऑफ जैसलमेर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, वॉइस ऑफ जैसलमेर समय समय पर आपको देश विदेश के कई शख्सियतों से मुलाकात कराता रहता है। तो आज हम इसी कड़ी में आपको एक राजनीतिक युवा शख्सियत जो जैसलमेर से है, लेकिन उन्होंने अपना जो कार्य क्षेत्र है पूरे कह सकते हैं राष्ट्रीय स्तर पर किया है, तो विकास जी व्यास से हम आज आपकी मुलाकात कराएंगे। तो विकास जी व्यास, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार व्यास जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई है कि जैसलमेर कांग्रेस सीट से भी विजय हुई है और भारत में भी इस बार कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है। तो मुझे आप छोटा सा अपना एक परिचय के बारे में दीजिए, क्योंकि वैसे तो मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ, फिर भी आपने कई NSUI युवा कह सकते हैं जिला अध्यक्ष का दायित्व है, और दूसरे में आपने जो नेशनल लेवल पर जो भी भारत जोड़ो यात्रा थी, न्याय यात्रा थी, तो इस तरह से आपने कई क्षेत्र में काम किया, तो इसके बारे में अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए। देखो, मेरा नाम विकास कुमार व्यास है और मैं भारत जोड़ो यात्रा का एक सदस्य रहा था भारत यात्री के रूप में हमारे नेता राहुल गांधी जी के साथ। मैंने जैसलमेर से मेरे राजनीतिक करियर की शुरुआत की। मेरे दादाजी जो कांग्रेसी थे तो उनको मैं पढ़ता था, वो भी सुनाते थे नेहरू जी की बातें, इंदिरा जी की बातें, तो उनकी विचारधारा से मैं भी लगातार कांग्रेस के साथ जुड़ा रहा। प्रारंभिक जीवन में मैं छात्र राजनीति से मैंने शुरुआत की। मैं NSUI में कई पदों पर रहा, उसके बाद मैंने युवा कांग्रेस के दामन थमा और युवा कांग्रेस के साथ मैं विधानसभा अध्यक्ष रहा, युवा कांग्रेस का जिलाध्यक्ष रहा, युवा कांग्रेस का मैंने प्रदेश राजस्थान का अध्यक्ष का चुनाव भी लड़ा और मैं प्रदेश सचिव बना। उसके बाद मैंने युवा कांग्रेस के साथ नेशनल स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर खूब काम किया। युवा कांग्रेस के द्वारा समय समय पर कई विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में कई प्रकार की मुझे जिम्मेदारियाँ दी गई, जिसका मैंने पूर्ण मेहनत से, ईमानदारी से निर्वहन किया। उसके बाद आपको बता दें कि 2022 में जो भारत जोड़ो यात्रा हमारे नेता राहुल गांधी जी के द्वारा निकाली गई थी, उसमें राजस्थान में हम 6 जनों का शुरुआत में चयन हुआ। उसमें मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि उन 120 की टीम में मैं भी उनका एक साथी रहा था, सदस्य रहा था। और आपको बताऊं कि 10 साल इस विपक्ष की जो भूमिका में राहुल गांधी जी रहे, जो ये कई BJP वाले बताते हैं कि या तो 100 सीट पर आ गए, गठबंधन इतना इनका आ गया, कांग्रेस के पास क्या था, मात्र एक राहुल गांधी जी थे और युवाओं की फौज थी उनके साथ में। राहुल गांधी जी को 10 साल इन्होंने कितना बदनाम किया, कितने पैसे उन पर लगाए बदनाम करने के लिए, इनके पास पूरी सत्ता थी, पूरी मशीनरी थी, इनके पास क्या कुछ नहीं था। इन्होंने हमारे दो तीन CM को जेल के अंदर डाल दिया, कांग्रेस पूरी के खाते फ्रीज कर दिए, इन्होंने राहुल जी की सदस्यता भंग करके उनका बंगला खाली करवा दिया, तमाम कई हथकंडे इन्होंने अपनाए। उसके बाद भी राहुल गांधी जी 10 साल विरोध में डटे रहे, डरे नहीं। राहुल गांधी जी का जितना मैंने उनको जितना समझा है, हम 6 महीने साथ में यात्रा में रहे हैं, राहुल गांधी जी झूठ नहीं बोलते, वह जो भी बोलते हैं सच बोलते हैं। चाहे पार्टी में भी उनको कहीं बोलना पड़ते तो झूठ लपेटी बाताएं या वेशभूषा ज़्यादा दिन में 4 बदलनी उनको नहीं आता, वह हमेशा, मतलब हमने 6 महीने में उतनो इतना बारीकी से देखा, रघुराम राजन जैसे उनके साथ 4-4 घंटे जो यात्रा में चलते, उन सबसे हम सुनते कि राहुल गांधी जी केवल देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, देश विकसित कैसे हो उसकी बात करते हैं, राहुल गांधी धर्म, मंदिर, मस्जिद, इन सबसे पीछे हटकर बात करते हैं।
अब चाहे उनको मिमिक्रिया कितनी भी बनाई हो, तो आप परिणाम देख सकते हो। इन्होंने राहुल गांधी जी को बदनाम करने की पूरी, क्योंकि इनको पता था कि राहुल गांधी जी अगर हट जाए तो हम देश में पूर्ण मत से सरकार बनाएंगे और एक तानाशाही राज हिंदुस्तान में लागू करेंगे, पर एक राहुल गांधी जी थे, उन्होंने करने नहीं दिया। बहुत ही बढ़िया बात है। तो जब आपका जो राजस्थान के ऊपर जब 6 व्यक्तियों का जो चयन हुआ, हमारा जो जैसलमेर है इसके बारे में अगर हम सुनते हैं या कहते हैं, तो कई बार लोग कहते हैं कि हम जो कॉर्नर पे बैठे हैं तो हमारे को पिछड़ा हुआ कहते हैं। यहाँ से जब आपको इस तरह का दायित्व दिया गया भारत जोड़ो यात्रा के अंदर, तो इसमें आपका क्या अनुभव रहा? देखो, अनुभव आपको बताएं, ये कांग्रेस पार्टी में ही संभव है कि एक आम कार्यकर्ता, आम घर से उठा हुआ कार्यकर्ता आज कांग्रेस पार्टी के सुप्रीमो के साथ 6 महीने समय बिताता है। तो यह कांग्रेस पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी में ही यह संभव है। और मैं तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैं भारत यात्री के रूप में मैंने कार्य किया। एक्चुअल मैं यूथ कांग्रेस की तरफ से मेरा सिलेक्शन हुआ था। हमारे जो यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्रीनिवास बीबी जी का, मुझे उनको उनका फ़ोन आया कि कल सुबह आपको दिल्ली पहुँचना है, भारत जोड़ो यात्रा में आपको जाना है, उसके लिए इंटरव्यू था। हम भी नहीं समझे थे, हम तुरंत दिल्ली पहुंचे तो वहाँ दिग्विजय सिंह जी और मुकुल वासनिक जी इंटरव्यू ले रहे थे। मैं भी डर गया था कि यार इतने बड़े सीनियर लोग हैं, हम क्या इंटरव्यू दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। तो बाकायदा हम अंदर गए, हमें नाम पूछा कहाँ से आए हो, तो मैंने बोला जैसलमेर से आए। तो दिग्विजय सिंह जी ने सीधा बोला कि जैसलमेर के आदमी बहुत मजबूत होते हैं, थार के आदमी बहुत मजबूत होते हैं। और दिग्विजय सिंह जी ने बोला कि पूरा पैदल चल पाओगे? मैंने कहा बिल्कुल चल पाऊंगा। तो उन्होंने बोला कि त्याग करना पड़ेगा। मैं कहा सर परिवार का त्याग कर देंगे 6 महीने, व्यापार का त्याग कर देंगे, पर कांग्रेस के लिए हम जरूर चलेंगे। फिर कुछ दिनों में हमें लेटर आ गया और कॉल आ गया कि तुरंत आप तमिलनाडु पहुंचो, तो हम पहुंच चुके थे। बिल्कुल, आपने भारत जोड़ो यात्रा के अंदर आपने जो कार्य किया है, तो भारत जोड़ो यात्रा का जो आपका अनुभव है, जैसे आपने कई राज्यों के अंदर घूमे, तो हमारा जैसे जो जो भारत है वह कई संस्कृतियों का है। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, मैं 5 सितंबर को हम कन्याकुमारी पहुंचे, तो फर्स्ट दिन जब हम पहुंचे तो हम 120 जने थे। 120 जने हम आपस में किसी को नहीं जानते थे। धीरे धीरे हमारे रूम पार्टनर बनते गए। पहले दिन से हमने यात्रा चालू की, 7 सितंबर को हमारी यात्रा चालू हुई। किसी को कोई समझ नहीं थी कि यात्रा कैसे होगी। और आपको बताएं कि मैं तो प्याज लहसुन भी नहीं खाता था, साउथ का एरिया था। कई समस्याएं आई हमारे, महीने 2 महीने तक खाने की समस्या आई, पर हम डटे रहे। भयंकर गर्मी थी, हमारे जो युवा कांग्रेस के साथी थे, आपको बताएं, लगातार 2 महीने तक ऐसी तरीके से चले, कई साथियों का भारत जोड़ो यात्रा में सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर भी वो हमारे साथ। हमारी दिनचर्या यह थी, हम सुबह 5 बजे उठ जाते थे, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा जो 150 दिन चली, 150 दिन चली, आपको राहुल जी की मैं टाइम पंचुअलिटी का बताऊँ, 6 महीने की यात्रा में एक दिन भी यात्रा 5 मिनट से ज़्यादा भी लेट नहीं हुई। 6 बजे अगर यात्रा शुरू होनी थी तो यह यात्रा 6 बजे शुरू हो जाती थी। तो हमारी दिनचर्या यह रहती थी कि हम 5 बजे उठते थे, फ्रेश और होके नाश्ता करके हम 6 बजे निकल पड़ते थे। सेवा दल की तिरंगा टोली साथ में थी, पूरे नौजवान साथ में थे। 10 बजे तक हम हमारे गंतव्य स्थान तक पहुँच जाते थे, उसके बाद वहाँ हमारा लंच होता था, और 4 बजे हम पुनः वहाँ से निकल कर, और लगभग 7-8 बजे तक हमारा जहाँ नाइट होल्ड होता था, हमारा जो कैंप होता था, वहाँ हम वापस पहुँच कर खाना और खा कर सो जाते थे। यही लगातार हमारा 6 महीने तक चलता रहा। और जो तमिलनाडु से यात्रा शुरू हुई, जितना मैंने देखा कि हर 6 किलोमीटर 60 किलोमीटर हम पैदल चलते रहे। हमने जगह जगह मतलब वेशभूषा चेंज देखी, संस्कृति चेंज देखी, खान पान चेंज देखा। हमने वैसे वैसे घर देखे कि एक घर अलग भाषा बोल रहा है, दूसरा घर अलग भाषा बोल रहा है, एक घर अलग पोशाक में है, दूसरा घर अलग वेशभूषा में। तो यह हमने हिंदुस्तान को इतना नज़दीक से देखा, और पूरा हमने पैदल जो 4,000 किलोमीटर की यात्रा की, उसका अगर छोटे शब्द में एक व्याख्या करें तो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बिल्कुल, आपकी बात सही है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मैं एक बात आपकी भारत यात्रा के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि जैसे भी जो हमारे चुनाव हुए हैं, इसमें करीब 100 सीटों के करीब कांग्रेस को मिली है, तो एक बधाई की बात भी है। और इसमें भारत जोड़ो यात्रा का कितना अनुभव रहा या सहयोग रहा? मैं तो मानता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस नहीं, जो हमारा इंडिया गठबंधन मजबूत हुआ है, और जो एनडीए गठबंधन की ये दुर्दशा हुई है, तो यह पूरा प्रभाव भारत जोड़ो यात्रा का है। क्योंकि हमारे जो सम्माननीय नेता है राहुल गांधी जी, वह प्रथम दिन से जब से यात्रा में निकले हैं, वह पूरी यात्रा उन्होंने पैदल यात्रा की। जहाँ भी शाम को पहुँचते थे, वो आम पब्लिक के बीच में जाकर देश के संविधान की बात, आरक्षण की बात, बेरोजगारी की बात, शिक्षा चिकित्सा की बात, आर्थिक हालातों की बात पर ही उन्होंने पूरे 6 महीने देश को बात की है।
राहुल गांधी जी का एक है, वो धर्म पे बात नहीं करते, वो जात पात पे बात नहीं करते, वह देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए उसके ऊपर बात करते हैं। तो राहुल जी ने हर कोने में, हर गरीब तबके में, हर इंसान से मिलकर, गरीब लोगों से मिलते, व्यापारी लोगों से मिलते, साधु संतों से मिलते, पुजारी लोगों से मिलते, मंदिर जाते, मस्जिद जाते, तो उन्होंने एक देश में सद्भावना का जो मैसेज दिया है, उसी कारण हमारी जो इंडिया गठबंधन है यह मजबूत हुआ है। तो राहुल गांधी जी सुबह 4 बजे उठते हैं, वह 1 घंटे पहले अपनी शारीरिक व्यायाम पूरा करते हैं, 6 बजे उन्होंने वो यात्रा चालू कर देते थे, खान पान भी उनका लिमिटेड है, 10 बजे आके वो 10 पैदल भी चलते थे ना, तो अपन भागते हैं, वो उनकी चाल थी पैदल चलने की, और पूरे रास्ते वो सैकड़ों लोगों से मिलते हुए चलते थे। उनके जो कोई दुखी है तो उसके साथ चलता था, मोटर मैकेनिक के साथ चलते थे, व्यापारी के साथ चलते 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 फिर वो 10 बजे जब पहुँचते ग्राउंड में, वहाँ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। एवरी डे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद पुनः हुआ लंच करके वापस चलना चालू करते थे, रात को सभा करते थे, हर 6 महीने 150 दिन दिल्ली की सभा हुई। तो राहुल गांधी जी मैं मानता हूँ कि देश के सबसे मजबूत नेता है। जैसे कई आर्मी के जवान थे, आर्मी के एरिए रास्ते में आए, उनके बैरिकेड लगे थे, पर आर्मी के जवान जब दीवार पर चढ़कर उनको हाय कर रहे थे, तब राहुल गांधी जी प्रोटोकॉल तोड़कर उनके पास गए। कई ऐसे गरीब मैकेनिक थे जो भीड़ में आ नहीं सकते थे, राहुल जी की जैसे ही उनके ऊपर नज़र जाती थी, राहुल जी प्रोटोकॉल को तोड़ के जाते थे। कई बच्चे फूल मालाएं गुलदस्ते लेके बैठे होते थे, राहुल जी उन्हें तुरंत बुला लेते थे या खुद चल के चले जाते थे। हमारे यात्रा में भी कई ऐसा हुआ, 2-4 वृद्ध थे, तो कोई किसी को हार्ट अटैक भी आया, कोई गर्मी से गिर गया, तो राहुल जी खुद उसकी देखभाल करते थे, खुद उनको एम्बुलेंस में बैठा कर हॉस्पिटल ले जाते थे। तो राहुल गांधी जी एक परिवार की तरह सभी यात्रियों का साथ देते थे। मैं भी बताऊं, जिस समय मैं राहुल गांधी जी के साथ पहला चला, हर भारत यात्री को मौका मिला उनके साथ बात करने का आधे घंटे, फर्स्ट टाइम चलने का, तो मैंने जैसे ही बोला, उन्होंने पूछा कहाँ से, तो मैंने बोला जैसलमेर से, तो उन्होंने जैसलमेर के बारे में मैं जितना नहीं जानता उतना उन्होंने मुझे बता दिया, क्योंकि उन्होंने बोला कि जिस समय इंदिरा गांधी जी, नेहरू जी, राजीव जी जैसलमेर आए, तो उन्होंने बताया कि हमारे घर में एक ऐसी डायरी है जिसमें हिंदुस्तान के 5 या 6 जिलों का ही जिक्र है, उसमें जैसलमेर का भी नाम है, और नेहरू जी आए वहाँ भी, यहाँ जैसलमेर में खूब काम करके गए, इंदिरा जी आई तो यहाँ टूरिस्ट चालू करके गई, नहर लाए, राजीव जी आए तो जो आत्मनिर्भर की मोदी जी बात करते हैं, राजीव जी आज कितने साल पहले यहाँ कई गांव बसा के गए जिसमें राजीव शॉल नाम से आज भी खादी की शॉलें बनती है, तो और जो एयरपोर्ट हमारे जैसलमेर में आया, यह बाड़मेर में ज़्यादा पॉपुलेशन होने के बावजूद भी जो जैसलमेर में एयरपोर्ट आया, यह राहुल जी ने बताया कि ये सोनिया जी की देन है, क्योंकि हमारे घर की डायरी में स्पष्ट लिखा था कि जैसलमेर का विशेष ध्यान देना है। फिर राहुल जी ने मुझे बोला कि आपके परिवार कैसा है, मैं कहा बढ़िया है, खुश है सब, मैं कहा तो वीडियो कॉल लगाओ। मैं भी उस समय घबरा गया, क्योंकि गहलोत साहब, पायलट साहब, सब सीनियर नेता पास में चल रहे थे, मुझे लगा कोई नाराज़ नहीं हो, तो भी मैंने थोड़ा बहाना बना के पीछे हुआ। जब मुझे वापस उन्होंने बोला फ़ोन लगाओ, मैंने बोला है, जब मैंने जैसे ही वीडियो कॉल लगाया तो मेरी मम्मी से उन्होंने बात की और 5-7 मिनट तक बात की, पूरे हालचाल जाने। उस समय मुझे लगा कि एक आम घर का बेटा, आम कांग्रेस का कार्यकर्ता, आज हिंदुस्तान कांग्रेस के सुप्रीमो के साथ चल रहा है, तो यह कांग्रेस में ही पॉसिबल है, और मैं अपने आप को बहुत गौरवशाली मानता हूँ। सरकारें आएगी जाएगी, पर जो हमने भारत जोड़ो यात्रा एक ऐतिहासिक यात्रा की, वो देश की सबसे बड़ी और सबसे लंबी, और वापस मेरे ख्याल से वैसी यात्रा पॉसिबल ही नहीं है, तो उस यात्रा का मैं हिस्सा रहूँ या मैं भूल ही नहीं सकता। आपका इंडिया गठबंधन मजबूत हुआ है, लेकिन एक बात और भी है कि आपका जो घोषणा पत्र था जिसमें महिला जो प्रधान है उसको 1 लाख रुपए वर्ष में देने की है, नरेगा का था, और जो हमारी ये सैनिकों की एक नई जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा स्कीम लाई गई थी उसकी बात थी कि उसको हम बंद करेंगे, इसका कितना प्रभाव रहा? देखो, हम इंडिया गठबंधन सरकार नहीं बना पाया, पर विपक्ष में एक मजबूत भूमिका की तरह से इंडिया गठबंधन रहेगा, और सरकार पर हमेशा दबाव बनाता रहेगा कि जो अग्निवीर योजना है उसको हटाया जाए, देश में जो बेरोजगारी है उसके रोजगार दिलाए जाए, पेपर लीक जो मामले सबसे ज़्यादा यूपी में हुए तो उसको कम किया जाए। तो यह पूर्णतः हमारा हमेशा यह रहेगा कि इंडिया गठबंधन पूर्ण मजबूती के साथ विपक्ष की भूमिका में अड़िग रहेगा। बहुत ही बढ़िया है व्यास जी, हम इस तरह से आपसे उम्मीद भी करते हैं। एक बात मैं आपको पूछना चाहूँगा, हम जिस क्षेत्र से हैं, जैसे जैसलमेर से हैं, तो जैसलमेर को आपने बहुत नज़दीक से देखा, जब से कह सकते हैं कि आपका जन्म के बाद आप जैसे युवावस्था, शिक्षा सब, उसके बाद जब आपने ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, न्याय यात्रा, इसमें जब आपने पूरा भारत भ्रमण किया, तो उसको देखते हुए भारत के कई आपने क्षेत्र देखे, उसके बनिस्पत हम जैसलमेर का क्या अलग है और यहाँ क्या डेवलपमेंट विकास की संभावना है? जैसलमेर एक सीमावर्ती जिला है,
मैं बाहर भारत घूमा तो वहाँ विधानसभा थी या जिला था 6 किलोमीटर या 10 किलोमीटर में ख़त्म हो जाता था। हमारा विशाल भूभाग है, हमारा लोकसभा का एरिया लगभग 700-750 किलोमीटर है, हमारा विधानसभा का एरिया 300-350 किलोमीटर है। तो हर विधायक हर MP यहाँ की जो समस्या है वो पूरी नहीं कर सकता। समय समय पर जो भी MLA MP आए उन्होंने यहाँ काम किया, पर वर्तमान का परिप्रेक्ष्य देखें तो जैसलमेर को सबसे ज़्यादा मूलभूत आवश्यकता है चिकित्सा की। चिकित्सा के क्षेत्र में हमारा जैसलमेर अभी पिछड़ा है, यह मानना पड़ेगा। दूसरा, हमारा जैसलमेर शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा है, क्योंकि ना तो ज़्यादा कोई यूनिवर्सिटी यहाँ है ना बड़ी कॉलेज हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र और चिकित्सा के क्षेत्र में मैं मानता हूँ जैसलमेर में काम करना अति आवश्यक है। और पर्यटन की नगरी से देखें तो पिछली जो BJP की सरकार थी, पर्यटन नगरी जैसलमेर आज विश्व धरोहर है, विश्व मानचित्र पर जैसलमेर का नाम है। पिछली सरकार ने भी यहाँ जो ट्रेनें चल रही थी, लंबी दूरी की ट्रेनें चल रही थी, उनको बंद करके जैसलमेर के साथ सौतेला व्यवहार किया है। हमारी प्राथमिकता से यह रहेगी कि हमारे जो सांसद आए हैं हम उनके साथ मिलकर दिल्ली जाकर सबसे पहले हमारी इस ट्रेनों को पुनः शुरू करवाया जाएगा, जिससे हमारा पर्यटन क्षेत्र वापस मजबूत हो। ब्यास जी, हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आपने जो ये बात कही है कि जैसलमेर के अंदर जो आवश्यकता है चिकित्सा है, स्वास्थ्य है, और उसके साथ में हमारी जो रेल यात्रा है और एक हवाई यात्रा भी है, बिल्कुल, तो हम, आप युवा है, हम आपसे यही उम्मीद करेंगे। और एक आपने सबसे बड़ी बात की कि आपने जो अपने आदर्श अपने दादाजी बिल्कुल राजनीतिक क्षेत्र देखा है, और जैसा कि हमने सुना है उनको, उनकी एक अपनी एक अलग जैसलमेर में छवि हुआ करती थी, बिल्कुल। तो ब्यास जी, हम आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में आप बहुत अच्छे ऊँचे स्थान पर योग्यता हासिल करें, और हम इसी शुभकामना के साथ वॉइस ऑफ जैसलमेर से आपसे विदा लेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।